हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 15, सीजन अराउंड अस। हम लोग हमारा 15 चैप्टर जो है वो यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर वी विल डू वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट स्टार्ट। अवर फर्स्ट वर्ड इज सीजन। सीजन्स होते हैं मौसम। सीजन्स क्या होते हैं? मौसम। सो सीजन्स को कहा जाता है मौसम, और इसके लिए हम वेदर को भी यूज़ कर सकते हैं। वेदर वर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है, सीजन्स मौसम या वेदर। ओके, सो वेदर क्या होता है? वेदर जो है हमारी आवर टू आवर एंड डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे कहा जाता है। क्या होता है? आवर टू आवर एंड डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, ये क्या होता है? वेदर होता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, बारिश, ये सब क्या है? वेदर्स हैं, सीजन्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। प्लीजेंट मीन्स सुहावना। प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस एंड सेटिस्फिकेशन, ऐसा सीजन या यहाँ सुहावना क्या है? मौसम, सीजन। तो ऐसा सीजन, ऐसा मौसम जो क्या कर रहा है? हमें हैप्पीनेस एंड सेटिस्फिकेशन जो है प्रोवाइड करा रहा है, एक खुशी दे रहा है, एक सुकून हमें फील करवा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? प्लीजेंट, सुहाना। जब मौसम सुहाना होता है, खुशगवार होता है, तो हम लोग कैसे, हमारे को भी अच्छा लगता है, हमें मतलब बहुत फीलिंग अच्छी वाली आती है कि हाँ चलो अच्छा मौसम है। एटम, एटम का मीनिंग होता है पतझड़। ऑटम मीन्स पतझड़, सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर। मौसम जो कब आता है? आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर्स। विंटर्स से पहले एंड समर्स के बाद जो मौसम आता है उससे एटम्स या सीजन कहा जाता है। ये कब आता है? समर्स के बाद एंड विंटर से पहले, इसे पतझड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज शेड। शेड का मीनिंग होता है झड़ना, ड्रॉप होना, फॉल होना। शेड, शेड का मीनिंग क्या होता है? झड़ना, ड्रॉप होना या फॉल होना। तो अगर हम ऑटम सीजन की बात करते हैं तो ऑटम सीजन में क्या होता है? पत्ते, जो जैसे कि इसका नाम ही है पतझड़, यानी पत्तों का झड़ना। तो क्या हो जाते हैं? जो लीव्स होती हैं ट्रीज की, जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? फॉल डाउन होने लग जाती हैं, ड्रॉप होने लग जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? शेड होना, यानी झड़ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब है यहाँ बसंत ऋतु। स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु, जो कब आती है? सीजन आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। अब जो स्प्रिंग सीजन होता है वो कब स्टार्ट होता है? आफ्टर विंटर्स, यानी सर्दियों के बाद, एंड बिफोर समर यानी गर्मियों से पहले। तो सर्दी, जाती हुई सर्दी और आती हुई गर्मी में जो मौसम आता है उसे क्या कहा जाता है? विंटर सीजन, वो सॉरी स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, जो विंटर्स के बाद एंड समर से पहले आता है, इसे क्या कहते हैं हम? बसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ का मतलब होता है एक कुछ ऐसा जो पानी को अलाउ नहीं करता, नॉट अलाइंग वाटर। ठीक है, नॉट अलाइंग वाटर, पानी को अलाउ नहीं करता। वाटरप्रूफ, कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटरप्रूफ होती है तो इसका क्या मतलब है? वो पानी को अंदर नहीं आने देगी। क्या होगा? वो पानी को अलाउ नहीं करेगी कि वो अपनी नमी, अपना मॉइस्चर जो है वहाँ छोड़ दे। लाइक वाटरप्रूफ क्लॉथ्स आते हैं, जैसे हमारे जंपसूट्स एंड रेनकोट होता है, ये वाटरप्रूफ क्लॉथ्स होते हैं जो क्या करते हैं? पानी को हमारी बॉडी से टच होने में रोकते हैं। क्या करते हैं वाटरप्रूफ क्लॉथ्स? पानी को हमारी बॉडी तक पहुंचने में, हमारे जो अदर जो कपड़े हम उनके नीचे पहन के रखते हैं उन तक पहुंचने में रोक देते हैं। सो वाटरप्रूफ का मतलब होता है जो पानी को अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीज। ब्रीज जो है हवा को कहा जाता है। ब्रीज क्या होती है? हवा होती है, लेकिन कैसी हवा? मंद
पवन या जेंटल विंड्स, इन्हें क्या कहा जाता है, मंद पवन यानी धीमे धीमे चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं। ब्रीज क्या होती है, ठंडी हवाएं होती हैं जो धीमे धीमे चलती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होती जो आंधी तूफान लेकर आते हैं, बल्कि जेंटल विंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमें अच्छा फील कराती हैं, ठंडी और सुकून वाली हवाएं होती हैं ये, इन्हें क्या कहा जाता है, जेंटल विंड। ब्रीज क्या होती है, जेंटल विंड्स। नेक्स्ट विंड्स, विंड्स होती हैं हवा, विंड को क्या कहते हैं, हवा, मूविंग एयर, चलती हुई हवा। विंड क्या होती है, मूविंग एयर यानी चलती हुई हवा। डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मीनिंग होता है प्रसिद्ध, मार्क्ड, प्रसिद्ध यानी फेमस, जो फेमस हो उसे क्या कहा जाता है, डिस्टिंग्विश्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हाइड, हाइड का मीनिंग होता है छिपाना, हाइड का मीनिंग छिपाना, टू कीप आउट ऑफ साइट, टू कीप आउट ऑफ साइट, किसी भी साइड के से आउट कर देना, बाहर कर देना या छुपा देना, सामने से दिखा, जो दिख रहा है उससे बिल्कुल हटा देना, अगर वो सामने दिख रहा है तो वहाँ से उसे हटा देना, छिपा देना, तो हाइड का मीनिंग छिपाना। अफेक्ट, अफेक्ट यानी प्रभावित करना, अफेक्ट करना मतलब प्रभावित करना, टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक अ डिफरेंस यानी उसमें कोई चेंजेस लाना, उसको प्रभावित करना, उसमें चेंजेस लाना, अफेक्ट करना मतलब उसमें चेंजेस लेकर आना। सो नेक्स्ट वर्ड इज कॉज, कॉज का मीनिंग होता है कारण, बीइंग अबाउट, कॉज मीन्स कारण, बीइंग अबाउट रीजन, कॉज के लिए हम यहाँ कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, रीजन, रीजन मीन्स कारण, वजह, तो कॉज कारण रीजन और बीइंग अबाउट, यहाँ पे हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं कॉज के लिए। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है देखे गए, ऑब्जर्व मीन्स देखे गए या नोटिस किए गए, ये नोटिस किया गया या ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया या नोटिस किया गया, ऑब्जर्व किया गया, किसी भी चीज़ को देखकर उसको समझना, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखकर ये समझना, ओके तो ऑब्जर्व के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्व, नोटिस, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कंडीशंस, कंडीशंस का मीनिंग होता है स्थिति, स्टेट, कंडीशंस मीन्स स्थिति, स्टेट, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम रहते हैं, तो स्टेट। एंड नेक्स्ट वर्ड इज रेफर्स, रेफर्स का मीनिंग होता है उल्लेख, रेफर्स का मतलब उल्लेख, उससे संदर्भ, उसके संदर्भ में, उससे रिलेट करके, ओके रेफर का मतलब उससे रिलेट करके। रेफर के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एड्यूज और रिलेट, यानी उससे संबंधित, उसके संदर्भ में, उससे रिलेटेड, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज पीरियड, पीरियड का मतलब होता है अवधि, टाइम, टाइम क्या होता है, अवधि, टाइम और एरा, यहाँ पे हम टाइम भी कर सकते हैं, ओके। सो पीरियड का मतलब क्या होता है, अवधि यानी कि टाइम का, जो एक टाइम को हम किस अकाउंट में रखते हैं, कितना टाइम लगा उसको क्या कहा जाता है, अवधि कहा जाता है, और एरा, ठीक है। सो ये है आपके चैप्टर 15 के वर्ड्स मीनिंग, जिन्हें आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जब हम चैप्टर रीड करें तो हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।